हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम करेंगे सीएसएस की आउटलाइन प्रॉपर्टीज। आउटलाइन में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि तीन या चार प्रॉपर्टीज हैं, एंड उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आउटलाइन प्रॉपर्टी होती क्या है। एंड आउटलाइन इज अ लाइन दैट इज ड्रॉन अराउंड एलिमेंट्स आउटसाइड द बॉर्डर। ये आपके पास कोई भी एक यहाँ पर एक कंटेंट है, ये इसका एक कोई भी आप एलिमेंट कह सकते हैं, ठीक है। इसकी ये जो मैंने यहाँ पर ये वाइट कलर की एक बनाई है, ये इसका बॉर्डर है, और बॉर्डर से भी आउटसाइड आप उसकी एक आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस आउटलाइन प्रॉपर्टी की मदद से। तो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आउटलाइन की प्रॉपर्टीज, जो कि आपके पास आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर, आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन ऑफसेट और आउटलाइन। ये आउटलाइन क्या है? आउटलाइन एक शॉर्ट हैंड है इन सभी प्रॉपर्टीज को एक साथ अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम सीएसएस की आउटलाइन स्टाइलिंग कौन कौन सी हो सकती है आपके पास। आपके पास डॉटेड स्टाइलिंग है, एक डैश्ड है, सॉलिड है, जिसमें कि आपका सिर्फ एक लाइन की तरह बन जाता है। एक बॉर्डर जो होता है, जो आउटलाइन होगी, वो सिंपल इस तरीके की एक लाइन की तरह बन जाएगी। डबल, जिसमें कि आपका डबल आ जाएगा, मतलब कि अगर आप डबल सॉलिड बनाओगे, डबल डैश्ड बनाओगे, तो डबल डबल लाइन आएगी। उसके बाद ग्रूव है, आपके पास रिज है, इन सभी के बारे में हम अभी प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सीएसएस स्टाइल की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैं वीएस कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है, यहाँ पर एक मैंने index.css फाइल बनाई है और एक index.html फाइल बनाई है। इस css फाइल को हमने यहाँ पर लिंक कर दिया है, इसकी मदद से मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे, ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा मेरे ख्याल से। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, मैं इसे हटा देता हूँ और बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक H1 टैग ले लेता हूँ बॉडी के अंदर। H1 टैग के अंदर लिखता हूँ मैं सबसे पहले वेलकम, ठीक है, कंट्रोल S, और यहाँ पर मैं इसे सेव करता हूँ, और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ही आपका रिफ्रेश हो गया। क्यों रिफ्रेश हो गया? क्योंकि मैंने ये लाइव सर्वर पर ओपन कर रखा है, ठीक है, ये हमारा वेलकम लिखा आ गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, डिव के अंदर एक एलिमेंट लेता हूँ H1। H1 में मैं लिखता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ये मैंने लिख दिया, कंट्रोल S करता हूँ, तो ये अभी आपको कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इस डिव को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। डिव को सेलेक्ट करा और मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, मैंने दे दिया सपोज एक्वा दे दिया, कंट्रोल एस करता हूँ, और ये आपका डिव सेलेक्ट हो गया। ये जो मेरा अंदर वाला H1 है, इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास दो H1 हो चुके हैं, इसलिए मैं इसको एक क्लास दे रहा हूँ, ताकि हम डिफरेंटली इसको सेलेक्ट कर पाएँ। तो मैं इसे क्लास दे देता हूँ H1 inside div, मैंने इसे एक क्लास दे दी, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, मैं इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, CSS फाइल पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास से सेलेक्ट करने के लिए हमें डॉट का उपयोग करना पड़ता है, तो मैं इसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ ब्लू वॉयलेट, कंट्रोल एस करता हूँ, और ये पूरा, मतलब कि आपकी जो डिव थी वो पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, इस कलर ने उसको ओवरराइट कर दिया है। तो उसको दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे पैडिंग दे सकता हूँ, पैडिंग हमने लास्ट वीडियोज में देख लिए, तो मैं पैडिंग इसे दे देता हूँ 20 पिक्सल्स की, ताकि हमको अच्छे से दिखाई दे सके। ये देखिए, अब हमारा ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब देखिए, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, इस H1 को एक बॉर्डर दे देता हूँ, ताकि आप सही से समझ पाओ। बॉर्डर दे देता हूँ मैं इसे 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, ओके,
कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर 5 पिक्सल्स का ब्लैक बॉर्डर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें आउटलाइन प्रॉपर्टी का यूज करना है। आउटलाइन प्रॉपर्टी का कैसे यूज करें, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ही मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको स्टाइल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला आउटलाइन स्टाइल, ठीक है, आउटलाइन स्टाइल के बाद मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं डॉटेड करता हूँ। सबसे पहले कंट्रोल एस, और आप देख पा रहे होंगे बॉर्डर को कुछ भी नहीं हुआ, बॉर्डर अपनी जगह पर एज इट इज है। उसके बाहर एक और बॉर्डर आ चुकी है जो कि आपकी आउटलाइन है। तो यही है आउटलाइन का कमाल, ठीक है। तो ये है, आप डॉटेड देख रहे होंगे, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जो यहाँ पर देखिए, इसे बड़ा करके दिखाता हूँ मैं थोड़ा, ये देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे एक ब्लैक कलर का डॉटेड आ रहा है। अब ये ब्लैक कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या करा है, अभी ब्लैक कलर इसलिए आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर ले रहा है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। कलर कौन सा, आप कुछ भी, या तो कलर का नेम लिख सकते हैं, RGB वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर आप हेक्सा वैल्यू भी लिख सकते हैं। सपोज इस तरीके की आप वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका कलर रेड हो चुका है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो ये डॉटेड हैं, ये बहुत ही स्मॉल, मतलब कि बहुत ही छोटे हैं। अगर आपको इसकी विड्थ चेंज करनी है तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं आउटलाइन विड्थ का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको पिक्सल्स में दे सकते हैं आप वैल्यू को। सपोज़ मैं इसको 10 पिक्सल्स देता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पर, देखिए 10 पिक्सल्स देने से क्या हुआ, ये देखिए कुछ इस तरीके का हमारा डॉटेड आ रहा है। अब मैं स्टाइल की और प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको डॉटेड हमने कर लिया, अब हम करते हैं डैश। आप देखोगे यहाँ पर डैश 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 आ जाएगा। अगर आप इसे छोटा कर देते हैं मतलब, तो सही से देख पाएंगे, ये देखिए। और छोटा कर देता हूँ मैं इसे, सपोज 2 पिक्सल्स, तो और भी सही से दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं अभी इसे बड़ा ही कर देता हूँ ताकि आप सही से देख पाएं। ये देखिए आपका कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या थी, ऑफसेट। एक बार मैं ये और दिखा देता हूँ आपको, ग्रूव वगैरह, आउटलाइन स्टाइल का ग्रूव, ठीक है, कंट्रोल एस, और ग्रूव आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी थी रेज, इसके बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी थी रेड्स, और यहाँ पर देखिए कुछ ये इस तरीके का दिखाई देता है, ग्रूव और ये कुछ कुछ एक जैसा ही दिखाई देता है। इसके बाद था आपके पास इनसेट, इनसेट भी आपका कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, आप देख पा रहे होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज वैल्यू आपके पास, कलर आप कुछ भी, इसको सपोज मैं ग्रीन कर देता हूँ तो ग्रीन आपकी बॉर्डर आउटलाइन आ जाएगी, ये देखिए। और बॉर्डर पर आप देखोगे ये हमेशा बॉर्डर के बाहर ही बन रहा है, ठीक है। अब मैं इसे ना क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसे सॉलिड कर लेता हूँ, ठीक है, सॉलिड से सही लगेगा, ये लगे कंट्रोल एस, और ये हमारा सॉलिड आ चुका। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये बॉर्डर है और ये जो आउटलाइन है, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए। अब वो स्पेस कैसे लाएं, उसके लिए हमारी एक प्रॉपर्टी आती है आउटलाइन ऑफसेट। इसमें आप पिक्सल्स में वैल्यू दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं। तो मैं इसे कर देता हूँ 5 पिक्सल्स, कंट्रोल एस, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग आ चुकी है। अगर मैं इस डिव का कलर इसको हटा देता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारी बॉडी का कलर ही ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिंग हमारे आ चुकी है। अगर आप चाहें तो मैं इसको और बड़ा करके दिखा सकता हूँ, ये देखिए, और बड़ा करके दिखाऊँ तो मैं कितना बड़ा करूँ, 30 पिक्सल्स कर देता हूँ, और क्या करूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे बॉर्डर और जो हमारी आउटलाइन थी उसके बीच में कुछ स्पेस आ चुकी है। तो मैं इसे अभी के लिए इसे मैं 5 पिक्सल्स कर देता हूँ, कंट्रोल एस और रिफ्रेश, ये देखिए हमारा एकदम सही से दिखाई दे रहा है। इसे मैं साइड बाई साइड कर लेता हूँ ताकि आप सही से देख पाएं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि अभी हमें ये डिज़ाइन करने के लिए क्या 4 लाइन का प्रयोग करना पड़ रहा था। अब मैं आपको इसका शॉर्ट हैंड बताता हूँ। सपोज़ मुझे यही प्रॉपर्टीज चाहिए, तो सबसे पहले मैं कमेंट आउट करता हूँ। इसके जो आउटलाइन प्रॉपर्टी है ये एक शॉर्ट हैंड है,
इन सभी प्रॉपर्टीज का खाली ऑफसेट को छोड़ दें तो आप इसमें क्या कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप आउटलाइन को अभी आपका सॉलिड है तो सिर्फ एक वैल्यू देते हो, सपोज डैश्ड दे दिया आपने, तो ये क्या होगा, आपकी आउटलाइन डैश्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी कलर लिख सकते हो। तो अगर आप दो वैल्यूज पास कर रहे हो तो आपका कलर और जो आपका डैश्ड जो स्टाइलिंग थी वो आपकी आ जाएगी। इसके बाद अगर आप इसी के आगे एक लिख देते हो 15 पिक्सल्स या कोई भी, तो इसके बाद ये आपकी विड्थ आ जाएगी, मतलब कि जो आपकी पहली प्रॉपर्टी होगी वो आपकी विड्थ होगी। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ एक बार। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी आपकी फर्स्ट, वो आपकी विड्थ को डिनोट करेगी। उसके बाद सेकंड जो होगी वो आपकी स्टाइल प्रॉपर्टी को डिनोट करेगी, और जो आपकी थर्ड हो प्रॉपर वैल्यू होगी वो आपके कलर को डिनोट करेगी। ठीक है, तो आप इस शॉर्ट हैंड का प्रयोग कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं ऊपर वाला सेम लाना चाहता हूँ जो हमने अभी करा था। इसकी स्टाइलिंग क्या थी, सॉलिड, कलर था ग्रीन और विड्थ थी 10 पिक्सल। तो सबसे पहले हम देते हैं 10 पिक्सल्स विड्थ दे दी हमने। विड्थ देने के बाद हमें कलर देना है, सॉरी सॉलिड देना है यानी स्टाइल देना है उसको, और कलर देना है उसको ग्रीन। ये हमने दे दिया कंट्रोल एस, और ये देखिए आपका जैसा पहले था वैसा आ चुका है। बस आपको खाली ऑफसेट अलग से देना, ऑफसेट क्या होता मैंने आपको बता ही दिया है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने सबसे पहले आउटलाइन सीखी कि आउटलाइन होती क्या है। उसके बाद हमने सब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल देखे कि आउटलाइन के क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल हो सकते हैं, आप कलर कैसे दे सकते हैं, आप उसको विड्थ कैसे दे सकते हैं कि अपनी आउटलाइन को। उसके बाद ऑफसेट क्या होता है मैंने आपको बताया कि ऑफसेट आपके बॉर्डर जो है, आपके एलिमेंट का बॉर्डर और आपकी जो आउटलाइन है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता है, जितना भी आप चाहो उतना ये स्पेस क्रिएट कर देता है। सपोज यहाँ पर देखिए मैं 15 पिक्सल्स कर देता हूँ तो ये 15 पिक्सल्स स्पेस इसके बीच में आ जाएगा। तो यही था आपका आउटलाइन प्रॉपर्टी, ये आपके जो भी एलिमेंट है उसको बहुत ही सुंदर बना देता है। आप जैसा जैसा डिज़ाइन करना चाहें आप वैसा कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।